एटीएम से कैश निकासी की सीमा हटाने के बाद अब जल्द ही बैंक से भी रकम निकासी की सीमा खत्म की जा सकती है। अभी बैंकों से सिर्फ 24,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। दरअसल आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास के मुताबिक बाजार में आई कैश की कमी लगभग पूरी हो चुकी है और आंशिक तौर पर देखें तो पैसे निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि बचत बैंक खातों की हर हफ्ते 24,000 रुपए निकालने की सीमा को छोड़ दें तो कैश विड्रॉल पर सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। कुछ समय बाद यह प्रतिबंध भी हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि करेंसी की सप्लाई और प्रबंध करना रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है और केंद्रीय बैंक की बचत बैंक खातों से कैश निकालने की इस लिमिट को हटाए जाने पर निकट भविष्य में फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में रिजर्व बैंक ने घोषणा की थी कि करंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट और एटीएम से रोजाना कैश विड्रॉल की लिमिट को हटा लिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने यह भी वादा किया था कि आने वाले दिनों में साप्ताहिक रूप से कैश की स्थिति का रिव्यू किया जाएगा। नोटबंदी के बाद कैश की कमी को देखते हुए रिजर्व बैंक और सरकार ने बैंक और एटीएम से नकदी निकालने की सीमा निर्धारित कर दी थी। हालांकि 500 और 2000 रुपए के नए नोटों के आने के बाद यह लिमिट धीरे धीरे बढ़ाई जानी शुरू कर दी गई थी। तो नोटबंदी के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो गए हैं और लोगों के लिए एक और राहत की खबर है। एटीएम से कैश निकासी की सीमा हटाने के बाद अब सरकार ने बैंक से भी सीमा हटाने के संकेत दिए हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।